एमएसएमई विकास कार्यालय पटना द्वारा एथनिक फैशन वर्ल्ड गायघाट पटना स्थित सभागार में गार्मेंट्स मैन्युफैक्चरिंग विषय पर 6 सप्ताह का उद्यमिता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जो आगामी 14 सितंबर से 30 अक्टूबर तक संचालित होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन आए हुए अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। यह कार्यक्रम एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार के उद्यमिता सह कौशल विकास योजना के अंतर्गत आयोजित था। निदेशक प्रदीप कुमार IEDS के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य कॉलेज संस्था के छात्र छात्राओं के बीच उद्यमिता के महत्व प्रक्रियाओं के बारे में समझाना, इस संबंध में विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं बिहार राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता के बारे में जागरूकता एवं स्वरोजगार हेतु कौशल विकास उत्पन्न करना है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर जयश्री प्राचार्य महिला महाविद्यालय गुलजारबाग पटना द्वारा किया गया। इस अवसर पर संजीव आजाद सहायक निदेशक एवं गीतांजलि चौधरी सहायक प्रोफेसर पटना विमेंस कॉलेज इत्यादि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में संयोजन एवं समन्वयन इस कार्यालय के सहायक निदेशक रविकांत ने किया। श्री हिमांशु कुमार निदेशक एथनिक फैशन वर्ल्ड पटना ने अपने स्वागत भाषण में सभी अधिकारियों, अतिथियों, उद्यमियों तथा उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत पेंटिंग भेंट कर किया एवं श्री रविकांत ने कार्यक्रम के उद्घाटन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने 30 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के क्रियाकलापों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम को आए हुए सभी अतिथियों ने संबोधित किया एवं प्रतिभागियों को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने हेतु उत्साह वर्धन एवं अपने अनुभवों से उचित मार्गदर्शन दिया। इस कार्यक्रम में संजीव आजाद ने उद्यमियों को बिहार राज्य में MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाली योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने जिला में प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम सफलता के बारे में जानकारी दी एवं पटना जिला में विभिन्न औद्योगिक संभावनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत अपना उद्यम लगाने हेतु आगे आने का आह्वान किया और MSME विकास कार्यालय पटना द्वारा हर संभव सहायता का भरोसा दिया। वहीं रविकांत ने जिला में चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं में बैंकों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता एवं जिला अग्रणी बैंक की भूमिका और बैंकों द्वारा चलाई जाने वाली अन्य स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का विधिवत समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ गीतांजलि चौधरी सहायक प्रोफेसर पटना विमेंस कॉलेज पटना द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कुल 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सौर भारतीयों से राकेश रंजन की एक रिपोर्ट। भारत सरकार और राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं महिलाओं के लिए जो बना रही है उसमें ये केंद्र सरकार की योजना है और इसके अंतर्गत MSME द्वारा महिलाओं को 30 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ उनके उद्योग लगाने के लिए बल्कि उससे संबंधित और भी जो तकनीकी जानकारियां हैं वह भी दी जा रही हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और बच्चों को इसके लिए कहीं बाहर नहीं जाने की ज़रूरत है, किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बैंक, लीगल, सारी सुविधाएं एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे इन लोगों को दी जा रही है। मैं MSME का आभार करती हूँ कि उन लोगों ने इतना अच्छा आयोजन महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए किया है और मैं सभी महिलाओं को, एथनिक वर्ल्ड को शुभकामना देती हूँ कि आने वाला समय उनका उज्ज्वल हो और वे सभी एक उदाहरण बनकर समाज के सामने आए। प्रशिक्षण कार्यक्रम गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग पे MSME मंत्रालय भारत सरकार की जो स्कीम है ESDP स्कीम उसके तहत आयोजित किया जा रहा है यहाँ पे। और इसमें जैसा कि बताया कि 20 दिन का जो है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग पे सेशन होगा और 10 दिन EDP पोर्शन पे सेशन होगा, जिसमें बताया जाएगा कि उद्यमी बनने के लिए क्या क्या नियम कानून और कायदे का पालन करना होता है और ऐसी सब जानकारी उनको दी जाएगी जो प्रोडक्ट को, मार्केटिंग, फिनांस को, बैंक का प्रोजेक्ट बनाने में या बाकी जो चीज़ें होती हैं उसको करने में उनको मदद मिलेगा। अब आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही महिलाओं को ये कार्यक्रम महिलाओं के बीच यहाँ पे उन्हीं के स्थान में आयोजित किया जा रहा है ताकि वो सुविधापूर्वक इस कार्यक्रम को 30 दिन अटेंड कर सकें। हम लोग उनको प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देंगे अंतिम दिन और फिर बैंक मैनेजर साहब को भी हम लोगों ने इसमें टाइप किया है, जो लोग इसमें आगे बढ़ने का एकदम इच्छुक होंगी उनका प्रोजेक्ट बनवा के बैंक से हम उनको लोन दिलवाएंगे और उनका ताकि बिजनेस सेटअप हो सके और वो आत्मनिर्भर बन सके। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।